दिल्ली नगर निगम चुनाव की बात करें तो 18 से 19 महीने शेष रह चुके हैं। देखने वाली बात ये होगी कि किसको हीरा की बालूशाही नसीब होगी और कौन फूट फूट के रोएगा, क्योंकि चुनाव होंगे, टिकट एक को ही मिलना है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो उन्होंने कमर कस ली है, वार्ड अध्यक्षों से लेकर के विधानसभा अध्यक्षों तक का चयन कर चुके हैं। हमारे बीच में महावीर सिंह गुर्जर जी हैं, जो कि रोहतास नगर के अंदर बनाए गए हैं आम आदमी पार्टी से वार्ड अध्यक्ष, वार्ड 37। भारत टीवी के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं येलो ग्रीन, सोच बदलो कुछ अच्छा ट्राई करो। वार्ड 37 से ई से सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको वार्ड अध्यक्ष बनने पर। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। वार्ड अध्यक्ष बनाने पर आप किस किस का धन्यवाद देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं पार्टी के मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल जी को, गोपाल राय जी को जी, और दुर्गेश पाठक जी को, और अपने सरिता बहन जी को, इन सब का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया और मैं उस विश्वास को पूर्णतः खरा उतरने की अपनी प्रयास करूँगा। पार्टी से जुड़े हुए कितने साल हो गए आपको? पार्टी से मैं लगभग पिछले 5-6 साल से जुड़ा हुआ हूँ जी, जो अपने रोहतास नगर विधानसभा में एक छोटे स्तर पर काम कर रहा हूँ विधायक जी के साथ में लगातार। महावीर जी, वहीं बात करें विधानसभा की, सबसे पहला सवाल यही आता है कि सारी सीटें जीते, रोहतास नगर क्यों हारे? रोहतास नगर में एक अपने निजी कारण पार्टी के कुछ नहीं रहे जी, बीजेपी का एक ऐसा नैरेटिव फैलाया गया जिसमें आप एक महसूस करने लगी है कि छोटी सी विधानसभा जी, जिसमें एक गृह मंत्री जी 3 बार मीटिंग लेता मीटिंग है, लेते हैं, 4-4, 6-6 MP जो बाहर से बुलाए गए वो पूरी तरह से धरना देके बैठे 8-8 दिन जी, वालियान साहब अशोक नगर में पूरे 4 दिन लगातार रहे जी, आखिरकार उन्हें रोहतास नगर में ऐसे किस बात से डर था, इस बात को हम समझ ही नहीं पाए। उन्होंने नैरेटिव फैला के एक पब्लिक को रुझान ही बदल दिया, कुल मिला के पब्लिक का भ्रमित किया गया, भ्रमित किया गया पूरी तरह से। आगामी समय निगम का है, क्या आपको लग रहा है? निगम निश्चित तौर पर जीतेंगे, निश्चित तौर पर लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लोगों का विचार आज की तारीख में नहीं, अब से पिछले 6-7 साल से केजरीवाल के साथ में लोगों का अपना निजी विचार ये है, केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री अभी तक नहीं आया है जी। और निगम में जहाँ तक सवाल है, निगम एक ऐसा स्रोत है, राजनीतिक संस्था का शुरुआती स्रोत है जो भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है जी, जिसमें बीजेपी ने 13 सालों में इसको भ्रष्टाचार की अतिक्रमण सीमा पे इतना पहुंचा दिया कि जिससे कोई हर आम आदमी त्रस्त है। आप कहते हैं भ्रष्टाचार किया, वो कहते हैं हमने ईमानदारी से काम किया। ईमानदारी, एक छोटा सा लेंटर डालिए, एक रसोई में हथौड़ी चला के देखिए, आपको तब पता लगेगा कि भ्रष्टाचार शुरुआत होते कहाँ से है जी। जेई से लेके और निगम पार्षद तक, एक छोटा सा आम आदमी अपने गरीबी के दायरे से निकल के 30-40 गज का, 50 गज का एक टुकड़ा बना रहा है, एक लेंटर डाल रहा है 2 लाख 1.5 लाख 2.5 लाख जी, तब डाल पर लेंटर का हिसाब, पर लेंटर का हिसाब जी, और लेंटर भी तब तोड़ते हैं जब 4 मंजिल पूरी हो जाती है जी, ताकि वो देने पर मजबूर हो जाए। कितने इनके आंसू पहुंचने के लिए इनके पास में रुमाल भी नहीं मिलेंगे। बिल्कुल ठीक है, भ्रष्टाचार की तो इन्होंने अति कर दी है, और केजरीवाल जी का संकल्प है और हम उसे दोहराएंगे कि निगम में जीत के इस भ्रष्टाचार की जड़ को खत्म करेंगे, हर हाल में खत्म। खत्म तो तब करेंगे जब टिकट हम सही बांटेंगे। टिकट हमारी पार्टी निश्चित तौर पर सही बांटेगी, सही व्यक्ति को बांटेगी जी, और केजरीवाल जी को तो आप जानते हैं, उनका तरीका ही एक ऐसा है कि एक ईमानदार आदमी को टिकट देने की उनका एक प्रक्रिया शुरू। उम्मीद ये लग रही है कि चाटुकारिता और ब्रीफ केस की राजनीति चलेगी निगम के अंदर। निराधार, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हमारी पार्टी जमीनी कार्यकर्ता को टिकट देती है और जो जमीन पर काम करता है उसी को टिकट देती है। वार्ड अध्यक्ष आप बनाए गए हैं, पूरी टीम वगैरह आप लोगों ने तैयार कर ली? कंप्लीट, हमारी टीम पूरी तरह से तैयार है और जीत के साथ तैयार है जी। आने वाले 1.25 साल में जो चुनाव है, हम निश्चित तौर पर जीतेंगे और पार्टी जिसको टिकट देगी उसको जिता के भेजेंगे, ये हमारा प्रण है पूरी तरह से। वहीं गणेश चतुर्थी का पर्व चल रहा है, क्या शुभकामना देना चाहेंगे क्षेत्रवासियों को? मैं सभी को गणेश जी महाराज की तरफ से चाहता हूँ कि वो सब पे आशीर्वाद बनाए रखें और जो महामारी चल रही है इससे हमें बाहर निकालें, और इसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि बीजेपी को भी सद्बुद्धि दे ताकि वो भ्रष्टाचार से हमें मुक्त रखे। इन 1.25 सालों में तो कम से कम मुक्त रखे हैं, जो कमा खाली वो बैठे एक तरफ से। दिल्ली के अंदर गणेश जी की पूजा बहुत जोरों शोरों से की जाती है, मगर इस बार ऐसा है कि पूजा भी कर रहे हैं और चलान भी भुगतने पड़ रहे हैं। कहते हैं कि विसर्जन करने जाओगे तो 50,000 का दंड।
असल में ये लोगों को एक तरह से भ्रमित करने का दायरा ये बीजेपी का एक नैरेटिव सौर्द है जी। बीजेपी इन चीज़ों पे बड़े प्रैक्टिकल, आप बीजेपी पे लांछन लगा रहे हैं, आप लोगों ने क्यों नहीं घाट बनाए? जनता सवाल पूछती है, जिस तरीके से छटके घाट बनाए जा सकते हैं, आम आदमी पार्टी ने क्यों नहीं विसर्जन के लिए जैसे पिछली बार किया? इस महामारी में आप सोचने की कोशिश कीजिए कि घाट चाहे हम टेम्परेरी बनाए, चाहे घाट जो जेन्युइन है, प्रकृति दी हुई है उसको भी, लेकिन भीड़ तो इकट्ठी होगी जी, और भीड़ होगी इकट्ठी होगी तो कहीं कहीं उसमें नुकसान होगा। अभी चंद दिनों पहले ईद मनी तो बहुत बढ़िया मनी, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक विरोधी पार्टियों का स्टंट है और लांछन लगाने का एक तरीका है। उन्होंने अपने तरीके से ईद मनाई और उसमें एक जो मानक मीटर थे जी सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसका पालन किया। उसमें जनता से क्या अपील करेंगे? मैं जनता से अपील करूंगा कि आने वाले समय में परमात्मा आपको इस महामारी से दूर रखे और आप पे कृपा बनाए रखे, और हमारी पार्टी की विचारधाराओं को आगे बढ़ाते हुए आने वाले समय में इस बीजेपी से मुक्ति दिलाए ताकि हम भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाएं। शर्मा जी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि अभी महावीर जी ने हमारे बताया जो बातें कही हैं बिल्कुल सत्य हैं जी, और निगम में हम पूरी तरीके से पूरी जान लगा देंगे, निगम को जिताएंगे और भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे दिल्ली को। पार्टी ने सही डिसीजन लिया है इनको वार्ड अध्यक्ष बना के? बिल्कुल बिल्कुल सहमत है, बिल्कुल सहमत। कोई गलती नहीं, कोई गलती नहीं की। कोई टिकट की बात करें तो क्या रहने वाला है? टिकट जो जमीनी कार्यकर्ता हैं हमारे जी, जो काम करने वाले हैं, सच्चे ईमानदार हैं व्यक्ति, उन्हीं को टिकट दी जाएगी। काम करने वालों को कोई टिकट नहीं देता? नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। अरविंद जी ने जो पीछे डिसीजन लिए हैं बिल्कुल सही लिए हैं, और पार्टी ईमानदारी से ही काम कर रही है हमारी। जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से अपील करेंगे कि दिल्ली को अगर भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है तो आम आदमी पार्टी को जिता कर लाएं। वही गणेश पूजन पर क्या शुभकामना देंगे? गणेश पूजन पर मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि जो महामारी का है सिलसिला चल रहा है, ये कोरोना से मुक्ति दिलाएं और हमारे लोगों को सद्बुद्धि दें, पब्लिक को सद्बुद्धि दें, आम आदमी पार्टी को लेकर आए निगम में।